टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में कुछ लोगों ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर जहीराबाद कोतवाली में तैनात एक दरोगा पर कोतवाली में दर्ज रेप के मुकदमे से आरोपी का नाम निकालने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, शिकायत करने वाले लोगों की तरफ से कुछ वीडियोस भी एसएसपी को दिखाई गए हैं, जिनमें आरोपी दरोगा पैसा लेते दिखाई पड़ रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये वही वीडियो है जिसमें आरोपी पैसा लेता दिखाई दे रहा है। वीडियो एक नहीं बल्कि कई बार अलग अलग जगह पैसा देने के दौरान रिकॉर्ड किए गए हैं। दरअसल बुलंदशहर एसएसपी दफ्तर पहुंचने वाले लोगों की ओर से दावा किया गया कि उनके परिवार के लोगों के खिलाफ जहीराबाद कोतवाली में रेप का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी विवेचना आरोपी दरोगा कर रहे थे। आरोप है कि मुकदमे से नाम निकालने के नाम पर आरोपी दरोगा ने 2 लाख रुपए की मांग की थी। आरोपियों की ओर से दरोगा को अलग अलग समय कुछ पैसे भी दिया गया, जबकि उसके साथी ही पैसा देने के दौरान दरोगा का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, कहाँ कमरे पे आओ। देखो इतनी दिक्कत है, मैं बताऊंगा आपको। औरत के मेरा फोटो है, ठीक है, 9,500 रुपये में औरत के कान के रख के आया हूँ। तुम्हें तुम्हें फोन किया था कोई? नहीं नहीं, मैं बताऊँ, देखो ये देखो 9,500 नहीं नहीं, देखो देखो अभी तक ना मैंने कुछ सूचना की, परेशान करके डाल दिया रात को दिन में। देखो होशियारपुर नोएडा मणुपुरम गोल्ड लोन लिमिटेड 9,500 कितना ग्राम रख के आए, देखो 5.1 ग्राम, और कितने कैरेट का? 22 कैरेट का है। तुम ये करो, मेरे को दिल ले जाओ, फिर दे दो। ना ना ना, अभी तक ना भाग दौड़ में लिख रखा है मैंने कि करोगे 1.5 लाख रुपए खर्च हो चुका है। आरोप है कि पैसा लेने के बाद भी आरोपी दरोगा द्वारा आरोपी का नाम मुकदमे से नहीं निकाला गया, जिसके बाद आरोपी पक्ष के कुछ लोगों ने एसएसपी से मिलकर पूरी घटना की जानकारी देते हुए न्याय की गुहार लगाई। झूठा केस लेडीजों से मिला हुआ दरोगा, वो एक निर्दोष आदमी को फंसा लेता, फंसाने के बाद फिर लेडीज के थ्रू पैसा लेते हैं उसे सॉर्ट आउट करने के लिए। और दरोगा बिजेंद्र सिंह, थाना जहांगीराबाद। अच्छा, ये जो पैसे ले रहे हैं किससे ले रहे हैं? ये पैसे ले रहे हैं पीड़ित से, पीड़ित के परिवार से, कि उनको मैं छुड़वा दूंगा और 376 का मुकदमा भी हटवा दूंगा, आप मुझे पैसे दे दीजिए। जो पैसे दिए हैं, जिसकी हमने आपको वीडियो भी शेयर की है, ऑडियो भी शेयर की है सर, और बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है जहांगीराबाद में, सबसे ज्यादा थाने में। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने किससे की है? अब मैंने पहली बार एसएसपी साहब से की है बुलंदशहर में। अच्छा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया मैं इनको जेल भेजूंगा और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमा दायर होगा, इनको बर्खास्त करूंगा, मुझे उन्होंने 100% वादा किया है और इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कुछ गंभीर किस्म के आरोप एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार से रिलेटेड लगाए हैं। मैंने उनको कहा है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी सीडी तैयार करके और एक तहरीर लेकर के हमारे पास आए, और घटना प्रथम दृष्टया जिस तरह के वो आरोप लगा रहे थे, जो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे थे, उसके आधार पर प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत हो रही है, निश्चित तौर पर हम इसमें वैधानिक और विभागीय दोनों कार्रवाई करें। वहीं एसएसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी दरोगा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। एसएसपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि जांच के बाद आरोपी दरोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।